हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फिर से आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आज यह मेरी दूसरी वीडियो है। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको आलू मटर की सब्जी बनाना सिखाया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसे देखिए और बनाइए अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में। आप सब लोगों को कड़ाकेदार एकदम नंबर वन चाय बनाने के लिए बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं चाय बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए। हमें अदरक चाहिए डालने के लिए, और आवश्यकता अनुसार जितने लोगों की चाय बनाएंगे उतना ही अदरक देखेंगे। चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, 2 लौंग और 2 इलायची। चलिए अब चूल्हा जलाते हैं। चलिए दोस्तों, मुझे 4 लोगों की चाय बनानी है, उसके लिए मैं 1 गिलास पानी डालती हूँ। इसमें अदरक डालते हैं, दो लौंग डालते हैं, 2 इलायची डाल देते हैं इसमें। आप डालना चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं इलायची। हमने 3 चम्मच चीनी डाली है, बाकी आपको जितना मीठा पसंद हो, कम ज्यादा, आप उसके हिसाब से चीनी डालिएगा। दो चम्मच हम चाय पत्ती डालेंगे, इससे हमारी कड़ाकेदार चाय बनेगी। अब इसको अच्छी तरीके से हम उबाल लेंगे चाय को। दोस्तों देखिए कितने अच्छे से हमारी चाय पक रही है और कितनी खुशबू दे रही है। अब हम इसमें दूध डालते हैं। 1 गिलास मैंने पानी डाला था और 1 गिलास हम दूध डालेंगे इसमें। इससे हमारी चाय बहुत अच्छी बनेगी। इसमें से 5-6 लोग चाय बहुत अच्छे से पी सकते हैं इसको। और ऐसे में घुमाते रहना चाहिए थोड़ा सा, ताकि ये चाय पत्ती जो है हमारी अच्छे से पक सके। देखिए दोस्तों कितनी अच्छे से उबाल आ रही है चाय में हमारी। इसको इस तरह से घुमा के पकाना है इसको। चलिए दोस्तों, हमारी चाय बनके तैयार हो गई है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कितना अच्छा कलर देखिए आया है चाय का। चलिए छान लेते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको चाय बनाना सिखाया है। अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपको नए डिश के साथ में। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।